अस्सलामुअलैकुम। वीडियो स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड है, तो इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि आज मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो वेट लॉस के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कार्ब्स कम करने से वेट लॉस होता है या नहीं। तो आपको वेट लॉस करने के लिए कार्ब्स कम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो हमारे तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, उनमें से सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है। मतलब जो हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, ये ब्लिंकिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड की सर्कुलेशन हो गई, ठीक है, इसके लिए हमारी बॉडी कार्ब्स को यूज़ करती है। और हमारा ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ कर सकता है जो कि कार्ब्स से आता है। जब हम कार्ब्स कम लेना शुरू कर देते हैं तो एक तो ब्रेन की एक्टिविटी कम होना शुरू रहती है, और दूसरा हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। मतलब हमारा हार्ट पम्प करना स्लो हो जाता है, हमारा बीपी कम होना शुरू होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक स्लगिशनेस आ जाती है और दूसरा इंसान इनएक्टिव होना शुरू होता है, कन्फ्यूजन उसको ज़्यादा होती है। और फिर उसकी बॉडी उसको बार बार सिग्नल्स देती है क्रेविंग्स की सूरत में कि उस इंसान को कुछ मीठा खाना है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, उसको कार्ब्स की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि कार्ब्स के बाद प्रोटीन्स यूज़ होना शुरू होते हैं, ठीक है। फैट सबसे बाद में आता है, उसके बाद प्रोटीन्स यूज़ होना शुरू रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से और ज़्यादा आपको वीकनेस होती है। तो इस वजह से आपको कार्ब्स कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और बैलेंस डाइट रह रहे हैं तो आपकी बॉडी कार्ब्स को ऑटोमेटिक प्रोसेसेस के लिए वैसे ही यूज़ कर लेगी, वो आपको मोटा नहीं करेगा। अच्छा, तो दूसरा सवाल है कि रातों रात वज़न बढ़ सकता है। रातों रात वज़न नहीं बढ़ता। कि आपने जितना भी खा लिया है वो क्या होगा कि ये नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फैट चढ़ जाएगी उसकी वजह से। वो कुछ फूड्स आपने ऐसे ही ले लिए हैं, अगर आपका वज़न रातों रात बढ़ा है, कि उन फूड्स ने आपकी बॉडी के अंदर जाके वाटर को होल्ड कर लिया है, या ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं कि आपकी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया है और वो आपका वाटर मैस है, वो आपको फैट नहीं चढ़ी। तो कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरली एंटी डायरेटिक इफेक्ट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से वाटर को फिर ऐसे ऐसा फ्लश आउट करवा देते हैं, तो ओवरनाइट वेट गेन नहीं होता। डज शुगर रियली मेक्स यू फैट? देखें, जो वाइट शुगर है, जो चीनी है, वो इतनी बुरी नहीं है जितना हमने उसको बुरा बना दिया है। ठीक है, उसमें केमिकल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हुई भी होती है, उसका कलर वगैरह लाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग वगैरह हुई भी होती है, लेकिन उसमें मेजर मसला ये होता है कि वो भी एक बॉडी में जाके वाटर होल्ड करती है, और दूसरा वो इन्फ्लेमेशन करती है, और तीसरा वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करवा देती है, ठीक है। तो जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं आर्थराइटिस के या एक्नी वाले पेशेंट्स, उनको रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं शुगर स्टार्ट में, क्योंकि उसकी वजह से उनकी इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश और रेडनेस ज़्यादा होती है, पस पड़ सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ वो वाटर होल्ड करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वो फैट नहीं होता, वो आपको मोटा नहीं करती। वो उतना है कि अगर आप उसको मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो वो आपको उतना हार्म नहीं करेगी, यानी कि एक टेबल स्पून में 25 किलो कैलोरीज हैं। अगर आप दिन में एक या दो ले रहे हैं तो वो आपको मोटा नहीं करेगी, वो डेफिनेटली आपकी कैलोरी काउंट में तो जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी उसको भी यूज़ कर लेगी, लेकिन वो आपको मोटा नहीं करेगी। अच्छा, अगला सवाल है, कॉफ़ी हेल्प्स वेट लॉस? देखें, कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो अंदर जाएगा और आपकी चर्बी को पिघला देगा, ठीक है, वो आपको यूज़ ही करनी पड़ेगी तभी आपका फैट जाएगा। कॉफ़ी भी वही काम करती है कि आपका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, उसको बूस्टअप कर देती है, ठीक है। मतलब आपकी डाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, आपकी डाइजेशन फास्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बूस्टअप इसलिए इस तरह होता है कि हार्ट बीट जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो आपने खाया पिया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है और जल्दी यूटिलाइज हो रहा है, जमा नहीं हो रहा, ठीक है। कॉफ़ी ये करती है। वाई सो मच क्रेविंग्स? वही बात, जब आपकी बॉडी को किसी एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो उस चीज़ को क्रेव कर रही होती है। हाँ जी, वीडियो बना रही हूँ, तो आपकी बॉडी उसको क्रेव करना शुरू हो जाती है, और नतीजा फिर ये निकलता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे आप कार्ब्स नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो आपको मीठे की क्रेविंग होती है, और इसकी वजह से आपका बीपी भी लो हो रहा है, तो आपको थोड़ा नमकीन की भी क्रेविंग होगी। तो आपको जो चीज़ भी मिलेगी आप उसको बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। डज हनी वाटर एंड लेमन वाटर रियली हेल्प्स इन वेट लॉस? देखें, इनमें भी वही बात है। लेमन वाटर क्या करता है, हमारा स्टमक जो है वो नेचुरली एसिडिक होता है, तो वो उसकी एसिडिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करा देता है, उसकी वजह से हमारी डाइजेशन अच्छी होती है,
और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, ठीक है। वही बात कि थोड़ा मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करा देता है, और हनी वाटर भी यही काम करता है ऑलमोस्ट। लेकिन मैजिकली कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका वेट लॉस नहीं करवा सकती है। कुछ फूड्स होती हैं जो एंटी डायरेटिक होती हैं, वो क्या करती हैं, जो आपकी बॉडी ने एक्स्ट्रा वाटर होल्ड अप किया होता है उनको बाहर निकाल देती है, उसको फ्लश आउट कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए जो लोग थोड़ी उल्टी सीधी डाइट्स करते हैं ना, तो वो ये होता है कि उनका वाटर मास जल्दी जल्दी जाना शुरू हो जाता है, और उनको लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन हालांकि वो वाटर मास लॉस हो रहा होता है। डिटॉक्स इज नेसेसरी। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऑलरेडी दो बहुत अच्छे डिटॉक्स सिस्टम रखे हुए हैं, एक हमारी किडनीज और दूसरा हमारा लिवर, ठीक है। डिटॉक्स तो ये होता है कि अगर आपने कुछ बहुत उल्टा सीधा खा लिया, तो हम कुछ फाइबर इस तरह का ले लेते हैं, या हम थोड़ा डिटॉक्स लेते हैं कि तो वो लेते हैं डिटॉक्स, ताकि अगर बहुत कुछ उल्टा सीधा खाया है तो हमारी बॉडी उसको फ्लश आउट कर सके, उसको रिमूव कर सके। फल्ला, आज तो इतनी मक्खियाँ हैं। डिटॉक्स वेट लॉस के लिए कोई नेसेसरी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर दो डिटॉक्स सिस्टम ऑलरेडी रखे हुए हैं, और वो बहुत अच्छे से काम करें। अगर आपने बहुत कुछ खा भी लिया है तो उसको वो कंपनसेट कर देंगे, तो डिटॉक्स ज़रूरी नहीं है। स्टार्वेशन हेल्प्स। देखिए, आप भूखे रह रहे हैं, कैलोरी डेफिशिएंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस तो होगा, लेकिन क्या होगा, आपका मसल मास पहले जाना शुरू हो जाएगा। आपका फैट जो है वो सबसे पहले, क्या बोल रही हूँ, आपका फैट जो है वो सबसे बाद में जाएगा, आपका मसल मास जाना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी फिर बहुत ज़्यादा क्रेव करेगी, और आप जब स्टार्ट करेंगे आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, जब आप फिर मसल मास गेन करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कम ऐसी फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट हाई हो और फैट कंटेंट कम हो, तो उसमें आपका प्रोटीन और फैट दोनों ज़्यादा जा रहा है। तो आपको या तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे वो मसल मास गेन करने के लिए, या फिर आपकी बॉडी पे और ज़्यादा फैट चढ़ेगा। तो स्टार्वेशन कभी भी सुटेबल नहीं होती वेट लॉस करने के लिए। या बैलेंस डाइट खाएं, आपका वेट लॉस खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। जितनी आपकी बॉडी को नीड है सिर्फ उतना लें, एक्स्ट्रा मत लें, कैलोरी डेफिशिएंट खाएं, और आपका वेट लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगला सवाल है, कैन लॉस वेट विदाउट वर्कआउट। देखिए, आप डेफिनेटली वेट लॉस कर सकते हैं अगर आपने कैलोरी डेफिशिएंट खाया है, लेकिन क्या होता है कि जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को उसको अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आप बहुत अरसे से कुछ और खा पी रहे हैं, और आप अपने आपने अपनी डाइट जो है वो चेंज की है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को भी एक बैलेंस की ज़रूरत है। जब आप वर्कआउट करते हैं उसके साथ आपकी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रहने की भी ज़रूरत होती है। एक तो उसे कैलोरी डेफिशिएंट आप पहले खा रहे हैं, आप थोड़ा सा और बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो वर्कआउट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगी। वो जो डाइट के साथ आपको थोड़ी स्लगिशनेस फील होती है ना, वो आपको वर्कआउट करने की वजह से फील नहीं होगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेगी। तो वेट लॉस कर तो सकते हैं आप वर्कआउट के बिना, लेकिन ये सुटेबल नहीं है, मतलब रिकमेंड नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वर्कआउट के बिना जो है वो वेट लॉस करें। आप डाइट भी करें साथ अपनी, आप थोड़ी अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करें। अच्छा, रेशो वर्कआउट एंड डाइट। देखिए, हम कह सकते हैं कि 80% डाइट का रोल है और 20% जो है वो वर्कआउट का रोल है। मतलब फ़र्ज़ करें, अगर आपने 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली हैं, जितनी आपकी बॉडी को नीड थी उससे ज़्यादा, और आप कहें कि अच्छा मैं ना 1 घंटा वर्कआउट कर लूँगा तो वो बर्न हो जाएंगी। आपने 1 घंटा वर्कआउट किया तो उसकी वजह से आपकी 250 किलो कैलोरीज बर्न हो गई, लेकिन 250 अभी भी एक्स्ट्रा हैं, तो वो क्या होंगी, वो जमा ही होंगी, आपकी बॉडी उनको यूज़ ही नहीं कर सकती, तो वो जमा होंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जितना भी खा लूँ बस वर्कआउट कर लूँगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 80% रोल डाइट का होता है, और 20% रोल जो है वो वर्कआउट का होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है, कम खाने से क्या होता है। फैट नहीं जाती, डेफिनेटली वज़न कम होता है। सबसे पहले जो है वो हमारा वाटर मास निकल जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करना शुरू होती है, कार्ब्स तो पहले कम ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी कार्ब्स को यूज़ करके प्रोटीन्स पे आ जाती है। उसकी वजह से आपको शदीद वीकनेस होना शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम रखा है ना कि वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेती है। जब उसको पता है कि मुझे कम जो है वो कैलोरीज मिल रही है, मुझे कम एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या करती है, अपने सारे प्रोसेसेस को स्लो डाउन करवा लेती है।
आपका बीपी कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट जो है वो स्लोली पम्प कर रहा है, आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, आपकी सारे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जितनी आप एनर्जी ले रहे हैं आपकी बॉडी उसी को यूज़ करते हुए सारे प्रोसेसेस करें, ठीक है। और बहुत कम ऐसा होता है कि जो आपके अंदर फैट पड़ी हुई है बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि बॉडी सबसे पहले कार्ब्स को यूज़ करेगी, उसके बाद प्रोटीन्स को यूज़ करेगी, उसके बाद फैट की बारी आती है, और हमें इतनी वीकनेस होती है कि हम समझ जाते हैं कि कम खाने से वज़न कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो सबसे ज़्यादा वेट लॉस के बारे में मुझसे पूछे जाते हैं। मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी, एक तो जब कोई बंदा मोटा हो रहा होता है उसको ये कहना बंद करें कि तुम हेल्दी हो रहे हो, उसको ये कहें कि आप अनहेल्दी हो रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि किसी के लिए खुद को चेंज मत करें, ठीक है। आप अच्छा दिखने के लिए या किसी के लिए खुद को चेंज करेंगे कि अच्छा मैं वज़न कम कर लेता हूँ तो मैं बड़ा अच्छा दिखूँगा, तो ये मोटिवेशन कुछ दिन तक तो आपको मोटिवेट करेगी ये बातें, लेकिन उसके बाद आप फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। आप अपने लिए करें, खुद हेल्दी रहने के लिए करें, किसी चीज़ के लिए ना करें, किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए ना करें, खुद को हेल्दी रखने के लिए करें, खुद को इम्प्रूव करें जितना आप कर सकते हैं, ना कि किसी और के लिए या अच्छा दिखने के लिए करें। अच्छा जी, बस आज के लिए इतना ही था, शायद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हों। बस आज के लिए इतना ही था, आई होप सो कि काफ़ी सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। जस्ट रिमेंबर, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।